गाइज आप लोग अभी बहुत सारे YouTube पे देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रिएटर का चैनल हैक हो जा रहा है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे उनका चैनल हैक हो रहा है और कैसे उसके बाद टर्मिनेट होकर के डिलीट हो जा रहा है। अगर फ्यूचर में अगर आपका भी चैनल ग्रो हो जाता है और आप भी चाहते हैं कि मेरा चैनल कोई हैक ना करे, कोई बंदा हैक ना करे और आपका चैनल सेफ रहे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि अगर मैं जो अगर आपको ट्रिक बताया, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपका चैनल हैक होने से फ्यूचर में बच सकता है। तो आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट वॉच करना होगा, तो ही आपको समझ में आएंगे कि कैसे आप अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हो। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक चाहिए तो लिंक मिल गया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख सकते हो। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। गाइस अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे चैनल हैक होता है और आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचे। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि चैनल को कैसे हैक किया जाता है या हैक कैसे करते हैं लोग। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, आप अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दिए होंगे। तो यहाँ पे क्या अपने कौन सा ईमेल आईडी दिए होंगे, जो आपके चैनल का है, यानी कि जिस ईमेल आईडी से अपने चैनल को आप बनाए होंगे, तो उसी आप ईमेल आईडी को आप दे देते हो। जिससे क्या होता है, हैकर क्या करता है, आपको कॉन्टेक्ट करता है। कॉन्टेक्ट कैसे करता है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये भी बात है, कॉन्टेक्ट ऐसे करता है कि आपको बोलेगा कि गाइस मैं आपको, मतलब कि अच्छे से इंग्लिश में वर्ड, मतलब जिससे लगे कि हाँ एकदम जेन्युइन है, और आपको पैसा पे करेगा, मतलब कि ऑफर बोलेगा बहुत ज्यादा पैसा का, जैसे बोलेगा 1 लाख 2 लाख 10,000, मतलब आपके सब्सक्राइबर के ऊपर ये डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी वो आपको मतलब कि लालच देगा। गाइस जैसा कि आपको पता है, ये पुराना कहावत भी है, लालच बुरी बला है। बट अभी आप क्या चाहते हो, अगर आप फ्रेशर रहते हो तो आप चाहते हो पैसा का, आपका लालच रहता है और आप एट अ टाइम पैसा लेते हो, बोलते हो हाँ मैं करने के लिए रेडी हूं। तो गाइस जैसे ही आप रेडी होते हो, तो अब वहां पे करता क्या है, कर कोई को लिंक प्रोवाइड करेगा। लिंक प्रोवाइड करने के बाद अब आपको करता क्या है कि आप उस पे क्लिक करते हो, बोलता है कि आप इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करो। तो गाइस अब आप यहां पे करते क्या हो, करते हो आप जैसे ही उस पे लिंक पर क्लिक करके और आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, आप अपने एंड्रॉइड फोन में या पीसी में आप या लैपटॉप में आप कहीं भी आप उसको डाउनलोड करते हो, एट अ टाइम आपका चैनल पूरी तरीके से हैक हो जाता है, यानी कि पूरा स्वाहा, और आप उसके बाद रोना धोना स्टार्ट कर देते हो। तो गाइस अब आपको करना क्या, आप यहां पे कैसे बच सकते हो कि कैसे आपका चैनल हैक ना हो, तो सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या है, करना यह है कि आपको अबाउट सेक्शन में जो आपका ईमेल आईडी हो, वो आपको कभी नहीं आपको वहां पे डालना है, जो आप अपने चैनल का जिस ईमेल आईडी से बनाए हो, क्रिएट की हो, वो आपको ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में नहीं डालना है। तो भाई अब यहां पे सवाल उठता है कि भाई कैसा ईमेल आईडी और कैसे मैं बच सकता हूं। तो गाइस अब आपको यहां पे करना क्या है कि आपको एक अलग से फ्रेश नंबर से आपको फ्रेश ईमेल आईडी बनाना है। और एक और बात, अगर आपका चैनल ग्रो है और आपका चैनल पे बहुत सारा मतलब कि स्पॉन्सरशिप आते रहते हैं, तो आप एक उसके लिए या पीसी अलग ले लो, या लैपटॉप ले लो, या एक एंड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन, कोई भी आप एक स्पेशल उसके लिए, यानी कि स्पॉन्सरशिप के लिए आप स्पेशल ईमेल आईडी और स्पेशल फोन या पीसी रख सकते हो, जिससे कि जो भी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टेक्ट करे, तो आप उस ईमेल आईडी के थ्रू आप उसी फोन या पीसी में आप ओपन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका चैनल भी हैक नहीं होगा, लेकिन अगर आप पुराना ही वाले मतलब कि आप फोन में भी करते हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका एक बार चैनल मतलब कि उसमें लॉगिन करके आप उसको लॉग आउट कर देते हो, तो आपका पासवर्ड सेव हो जाता है। तो हैकर इससे भी आपका चैनल को हैक कर सकता है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो आपको फ्रेश फोन और आपको फ्रेश ईमेल आईडी, यानी कि नया फोन में ही आपको नया ईमेल आईडी लॉगिन करना है, ये नहीं कि आप पहले से यूज करते थे और उसको रिसेट कर दियो, लेकिन ऐसा आपको काम करना नहीं है। आपका ईमेल आईडी वहां पे सेव हो जाता है, उसका नंबर सेव हो जाता है, जिससे कि आपका हैकर उसके बाद भी कर सकता है। तो गाइस अब आपको करना क्या है, करना यही है कि आपको एक न्यू स्मार्टफोन या आपको एक पीसी लेना होगा। अगर आपके पास अच्छे खासे स्पॉन्सरशिप आते हैं और आपका अर्निंग भी होता है, तो आपको क्या करना है, अब मतलब लॉगिन करने के बाद, हाँ यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो भी आपका स्पॉन्सरशिप का कॉन्टेक्ट होगा, तो आप जैसा कि पता है कि वहाँ पे जैसा कि ईमेल आईडी भेजेंगे उसी पे टाइमिंग लिखा रहता है, उसी पे क्लिक करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये फेक है या कंपनी का है या कंपनी का नहीं है, वो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या है, वहां से देख लेना, अगर फेक रहेगा तो वो आसानी से इजी वे में आपको पकड़ में आ जाता है, तो आप
उसको मतलब स्पॉन्सरशिप करिए ही मत भाई। जब आपको पता चल गया कि ऐप फेक है, फेक स्पॉन्सरशिप है, तो आप क्यों उसको करोगे। उसके बाद गाइज अब आपको जैसा कि मैं आपको स्टेप बताया, आप अपने एंड्रॉयड फोन के लिए मतलब अलग से जीमेल आईडी या अलग से एंड्रॉयड फोन आपको लेकर के आपको अबाउट सेशन में भी डाल देना है। गाइज अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो आप अपने चैनल को हैक होने से फ्यूचर में बचा सकते हो। तो अगर गाइज आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूं। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।